वंदे मातरम साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास आप लोगों के लिए रामबाण क्लास रहने वाली है। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जाने से पहले आप इस वीडियो को एक से दो बार अच्छे से लगा के जाएं, ताकि आपके कृषि से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपका यहां से गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, कृषि से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा आपसे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो कि बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। सभी क्वेश्चन आपके यहां पे सेट पैटर्न के रहने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए प्यारे साथियों, क्लास की अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, चावल का कटोरा किसे कहते हैं। तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य को। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहां पे है, तो याद रखेंगे कटक में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पे है, तो याद रखेंगे नई दिल्ली में। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा है, आप इन्हें अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहां पे है, तो याद रखेंगे जयपुर में। ठीक है, कहां पे है, जयपुर में। अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई, तो याद रखेंगे 1963 में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए खाद मिलावट निरोधक कानून पारित कब हुआ, तो याद रखेंगे 1954 में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है, तो याद रखेंगे जबलपुर। ठीक है, कहाँ पे है, जबलपुर। तो मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा है साथियों, इन्हें आप साथ के साथ नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो याद रखेंगे ये अल्मोड़ा में है। ठीक है, कहाँ पे है, अल्मोड़ा, जो कि कहाँ पे है, उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर हुआ, रखेंगे कौन से फसल पर हुआ साथियों, गेहूं की फसल पर। ठीक है, भारतीय गन्ना शोध संस्थान पूछा जाए, तो याद रखेंगे लखनऊ में, और केंद्रीय आलू शोध संस्थान ये शिमला में है। ठीक है, केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान कहां पे है, ये राजमुंद्री में है, और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पे है, आपकी करनाल में है। ठीक है, तो आप इन्हें अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा आपके सामने है, जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, इन सभी की जो पीडीएफ है, अपना जो टेलीग्राम चैनल है प्रदीप सर रीजनिंग, उसको ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको सभी प्रकार की पीडीएफ मिलने वाली है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को ध्यान से देखिए, भारत में कुल राष्ट्रीय आय का कृषि कितना आता है, तो याद रखें 25%। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, तो याद रखें कौन सी मिट्टी साथियों, काली मिट्टी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कंचन जो है ये किसकी फसल है, तो याद रखेंगे साथियों ये आंवला की फसल है। ठीक है, किसकी फसल है, आंवला की। अगर पूछा जाए पपीते के पीला रंग का कारण क्या है, पपीते के पीला रंग का कारण क्या है, तो याद रखेंगे साथियों कैरी का जेथिन के कारण। ठीक है, किसके कारण, कैरी का जेथिन के कारण पपीते का रंग पीला होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए पीताम्बरी किसकी प्रजाति है, कौन सी साथियों, पीताम्बरी किसकी प्रजाति है, तो याद रखेंगे सरसों की प्रजाति है। ठीक है, किसकी प्रजाति है, सरसों की प्रजाति है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन्हें आप अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए धान का खीरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है, तो याद रखेंगे जस्ता की कमी के कारण होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, केंद्रीय भूमि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो याद रखेंगे हैदराबाद में। ठीक है, कहाँ पे है, हैदराबाद में। ठीक है, अगर पूछा जाए किस देश में सर्वप्रथम उन्नत किस्म के बीज विकसित किए गए, तो याद रखेंगे कहाँ पे किए गए साथियों, मैक्सिको में। ठीक है, कहाँ पे, मैक्सिको में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, एलोवन मोजेक किसकी बीमारी है, एलोवन मोजेक किसकी बीमारी है, तो याद रखेंगे भिंडी की बीमारी है। ठीक है, किसकी बीमारी है, ये भिंडी की। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को ध्यान से देखिए, काली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है साथियों, इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। कपास की खेती के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखें कौन सी मिट्टी है, काली मिट्टी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए टीका रोग का संबंध किससे है, तो याद रखें किससे साथियों, मूंगफली से। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए करनाल बट बीमारी किससे संबंधित है, करनाल बट बीमारी किससे संबंधित है, तो याद रखें गेहूं से संबंधित है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए आलू की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है, किसकी साथियों, आलू की, तो याद रखें मोस्ट इंपोर्टेंट है कुफरी चिप्सोना 2। ठीक है, कौन सी है, कुफरी
चिप्सोना 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। आलू की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है? कुफरी चिप्सोना 2, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को ध्यान से देखिए, ऑक्सोनोमीटर यंत्र का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? पौधे की वृद्धि मापने के लिए, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए पौधे की वृद्धि मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखें ऑक्सोनोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को ध्यान से देखिए, यूरिया में नाइट्रोजन कितना होता है? तो याद रखें 40%, ठीक है। और यूरिया में जो नाइट्रोजन है इसको किसके रूप में जाना जाता है? एमाइड के रूप में। अगर आपसे पूछा जाए भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है, तो याद रखेंगे एमएस स्वामीनाथन है, ठीक है। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है साथियों? एमएस स्वामीनाथन, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें होता है, तो याद रखेंगे सोयाबीन में। और देश की कुल निर्यात में कृषि का योगदान कितने प्रतिशत है? 18%, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए भारत में सर्वाधिक लौंग की खेती कहां पे होती है, किसके साथियों? लौंग की खेती, तो याद रखें केरल में होती है, ठीक है। कहां पे होती है? केरल में। अगर आपसे पूछा जाए विश्व में सर्वाधिक सघन खेती कहां पे की जाती है, सघन खेती कहां पे की जाती है साथियों? इंडोनेशिया में, ठीक है। कहां पे की जाती है? इंडोनेशिया में। अगर आपसे पूछा जाए केंद्रीय बागवानी संस्थान कहां पे है, तो याद रखें कहां पे है? नागालैंड में, ठीक है। केंद्रीय बागवानी संस्थान कहां पे है? नागालैंड में। अगर पूछा जाए भारत के कुल रोजगार में कृषि का योगदान कितना है, तो याद रखें 48.9%, कितना है? 48.9%, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है साथियों? 23 दिसंबर को। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? याद रखें 23 दिसंबर को, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को ध्यान से देखिए, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखेंगे 21 मार्च को, ठीक है। और राष्ट्रीय किसान दिवस अभी हमने डिस्कस किया है, कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखें कब मनाया जाता है? 22 मई को। क्या मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है साथियों? पर्यावरण दिवस, तो याद रखें कब मनाया जाता है? 5 जून को, ठीक है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, याद रखेंगे 26 नवंबर को, ठीक है। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखेंगे 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। क्या मनाया जाता है साथियों? ओजोन दिवस, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, तो याद रखेंगे कब मनाया जाता है? 8 मई को, ठीक है। और विश्व वन्य प्राणी दिवस कब मनाया जाता है, याद रखेंगे 6 अक्टूबर को, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन्हें आप अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है साथियों 8 मई को, और विश्व वन्य प्राणी दिवस मनाया जाता है 6 अक्टूबर को, ठीक है। इससे आगे ध्यान से देखिए, धान की फसल के लिए सबसे उत्तम वर्षा कितने सेंटीमीटर है? 150 सेंटीमीटर, ठीक है। और तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए चिपको आंदोलन का संबंध किससे है, तो याद रखेंगे वृक्षों की कटाई रोकने से, ठीक है। जो चिपको आंदोलन है साथियों, इसका संबंध किससे है? वृक्षों की कटाई रोकने से है, ठीक है। और इसका शुभारंभ किसने किया था, तो याद रखेंगे सुंदरलाल बहुगुणा ने, ठीक है। किसका शुभारंभ किया था? चिपको आंदोलन का, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए हरित क्रांति कौन सी योजना में परिलक्षित हुई थी, तो याद रखें कौन सी में? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए विश्व में धान की प्रथम बोनी किस्म कौन सी है, कौन सी है? IRA, ठीक है। किसकी किस्म है ये? धान की सबसे बोनी किस्म है, ठीक है। और गेहूं का वास्तविक नाम पूछा जाए, तो याद रखेंगे ट्रिटिकस एस्टिबम, ठीक है। और गेहूं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो याद रखेंगे दोमट मिट्टी, ठीक है। और गेहूं के लिए उत्तम जलवायु कौन सी है, याद रखेंगे शीतोष्ण, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा है साथियों, इन्हें साथ के साथ नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। विश्व की सर्वाधिक मात्रा में एवं क्षेत्रफल में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है, तो याद रखेंगे गेहूं, ठीक है। और गेहूं में विटामिन कौन से पाए जाते हैं साथियों? B1, B2 और B6। और धान का जो अंतरराष्ट्रीय शोध संस्थान है ये कहां पे है? मनीला में, जो कि कहां पे है? फिलीपींस में है, ठीक है। और राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहां पे है? तो याद रखेंगे ये वाराणसी में है, ठीक है। कहां पे है? वाराणसी में। और एगमार्क का केंद्रीय कार्यालय कहां पे है? तो एगमार्क का कार्यालय साथियों नागपुर में, ठीक है। कहां पे है? नागपुर में। और हरित क्रांति के जनक किन्हें माना जाता है? तो याद रखेंगे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन्हें भी आप अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। और सबसे अधिक चीनी मिलें कहां पे हैं? तो याद रखें कौन से राज्य में है? उत्तर प्रदेश राज्य में है, ठीक।
ठीक है। और पंत जी 114 ये किसकी प्रजाति है, याद रखेंगे चना की, ठीक है। कौन सी प्रजाति साथियों, पंत जी 114 ठीक है। अगर पूछा जाए कंचन किसकी प्रजाति है, तो याद रखेंगे आंवला की, ठीक है। और पीताम्बरी किसकी प्रजाति है, तो याद रखेंगे सरसों की, ठीक है। पीताम्बरी किसकी प्रजाति है, तो याद रखेंगे सरसों की। हरित क्रांति का संबंध देश में कब से माना जाता है साथियों, 1960 के दशक से, ठीक है। और भारत के अर्थव्यवस्था का प्रारंभिक क्षेत्र किसे माना जाता है, कृषि को। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन्हें भी आप अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए, रबड़ कैसी फसल है, तो याद रखेंगे नकदी की फसल है, ठीक है। जो रबड़ है ये किसकी फसल है, नकदी की फसल। और चावल के लिए आदर्श जलवायु कितनी है साथियों, याद रखेंगे 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, और तापमान कितना है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये किसके लिए, चावल के लिए। अगर आपसे पूछा जाए केसर का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है भारत में, तो याद रखेंगे जम्मू और कश्मीर में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। और दलहन की कृषि के लिए कम तापमान एवं मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है, किस फसल के लिए, दलहन की कृषि के लिए, ठीक है। दलहन की फसलों के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है, तो साथियों याद रखेंगे कौन सा तत्व, कोबाल्ट, ठीक है। कौन सा तत्व, कोबाल्ट। और कौन सी दलहनी फसल वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता, तो याद रखेंगे कौन सी, राजमा, ठीक है। कौन सी साथियों, राजमा जो आपके दलहन की फसल है ये वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है, ठीक है। तो इन्हें भी आप अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। रेशेदार फल किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे नारियल को, ठीक है। नारियल को कैसा फल कहा जाता है साथियों, रेशादार। कॉफी कहां पे होती है, तो याद रखेंगे उष्णकटिबंधीय झाड़ियों में होती है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कॉफी कहां पे होती है, तो याद रखेंगे कौन सी झाड़ियों में होती है साथियों, उष्णकटिबंधीय झाड़ियों में, ठीक है। और बगीचों का शहर किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे बेंगलोर को, ठीक है। बगीचों का शहर किन्हें कहते हैं, बेंगलोर को, ठीक है। और चावल का कटोरा कौन से डेल्टा को कहते हैं, तो याद रखेंगे साथियों कृष्णा और गोदावरी नदी का जो डेल्टा है इसे भारत का क्या कहा जाता है, चावल का कटोरा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन्हें आप अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। भारत में सबसे अधिक झूम कृषि कौन से राज्य में होती है, तो याद रखें असम राज्य में, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी प्रश्न को आप अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है।